मान लीजिए हम यूनरी अल्फाबेट की बात करते हैं, अभी तक जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें हमने जो अल्फाबेट लिया था वो बाइनरी अल्फाबेट लिया था। मान लीजिए हम यूनरी अल्फाबेट को लेते हैं और लैंग्वेज मान लीजिए मेरा ये है मल्टीपल ऑफ थ्री, ऑल थ्री ऑल मल्टीपल ऑफ थ्री, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वन क्यूब एस्ट्रिक, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, वन एस्ट्रिक क्यूब नहीं लिख सकता, तो ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि वन क्यूब एस्ट्रिक का मतलब है वन एस्ट्रिक डॉट वन एस्ट्रिक डॉट वन एस्ट्रिक, और इसका मतलब है वन एस्ट्रिक, यानी इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स मिलेंगी वो मल्टीपल ऑफ थ्री में मिलेंगी, जैसे जीरो मल्टीपल ऑफ थ्री क्या होगा, जीरो जीरो वन थ्री वन सिक्स वन नाइन वन ट्वेल्व वन, तो इस टाइप से यहाँ पर मिलेंगे, जीरो वन यानी लेमडा, थ्री वन यानी वन, सिक्स वन थ्री एंड थ्री, सिक्स वन नाइन वन, इस टाइप की स्ट्रिंग्स मिलेंगी। जबकि यहाँ पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको जीरो वन भी मिलेगा, टू वन भी मिलेगा, थ्री वन भी मिलेगा, फोर वन भी मिलेगा, फाइव वन भी मिलेगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये और ये आपके इक्वल नहीं है। अब इसके लिए हम एक मशीन डिजाइन करते हैं, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वन इन डब्ल्यू मोड थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी नंबर ऑफ वन आप काउंट कीजिए, उसको थ्री से डिवाइड कीजिए, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर वन मिलना चाहिए। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि मोड थ्री मशीन है, तो यहाँ पर रिमाइंडर के थ्री वैल्यू हो सकती है, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर वन, रिमाइंडर टू, तो यहाँ पर थ्री स्टेट्स होंगे। ये मान लीजिए मेरी स्टार्टिंग स्टेट है और आप वन के लिए यहाँ पर साइकिल क्रिएट कर देंगे, तो ये मान लीजिए मैंने वन के लिए यहाँ पर साइकिल क्रिएट कर दी है, तो इस स्टेट पर जो रिमाइंडर मिलेगा वन के लिए वो जीरो मिलेगा, इस स्टेट पर वन के लिए जो रिमाइंडर होगा वो वन होगा, और इस वाली स्टेट पर रिमाइंडर होगा वन के लिए वो टू होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम यहां की बात करें, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ इस वाली स्टेट पर फाइव वन है, फाइव को जब आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वंस आप काउंट कीजिए, थ्री से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको इस स्टेट पर जीरो मिलेगा, इस पर वन मिलेगा और इस पर टू मिलेगा, ठीक है ना। तो थ्री से डिवाइड करने पर थ्री रिमाइंडर ही हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर इस डीएफए में थ्री स्टेट्स हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको थ्री का मल्टीपल करना है, तो ये वाली स्टेट को आप फाइनल कर देंगे। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, और अगर हम आपसे पूछें इसके लिए क्या डीएफए हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन 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 एस्ट्रेक वन, तो ये आपका क्या है, ये आपका है नंबर ऑफ वन इन डब्ल्यू मोड थ्री इज इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका जो जो लैंग्वेज होगा उसमें वन वन आ सकता है, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में आपके कितने वन आ सकते हैं, थ्री प्लस वन फोर वन आ सकते हैं, फिर उसके बाद में थ्री थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन वन आ सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन आ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आएंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ वन यहाँ पर वन हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन हो सकते हैं, थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस वन टेन हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये होंगे। तो ये क्या है, ये आपका है मोड थ्री, आपको रिमाइंडर वन देगा, क्योंकि देखिए सेवन मोड थ्री, सेवन को आप थ्री से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर आपको वन मिलेगा, टेन को थ्री से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर वन मिलेगा। तो फिर इस केस में इस लैंग्वेज के लिए जो आपका डीएफए हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आप इस स्टेट को फाइनल कर देंगे। लेकिन मान लीजिए हम आपसे पूछें कि इसके लिए क्या आपका डीएफए होगा, ठीक है ना, वन 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 एस्ट्रिक, ठीक है ना, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन 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 एस्ट्रिक वन, तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी वो टू वन हो जाएगी, या फिर फाइव वन हो जाएगी, या फिर एट वन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका टू वन होगा, या फिर फाइव वन होगा, या फिर एट वन होगा, या फिर इलेवन वन होगा, इस टाइप की स्ट्रिंग्स यहाँ पर होंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप नंबर ऑफ वंस को काउंट करके थ्री से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको रिमाइंडर यहाँ पर टू मिलेगा, तो इसके लिए फिर जो आपका फाइनल स्टेट हो जाएगी वो फाइनल स्टेट आपका ये हो जाएगी, तो ये आपका डीएफए हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। और अगर हम आपसे पूछें कि इसके लिए क्या आपका लैंग्वेज होगा मोड थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन, तो फिर अगर आप इसके लिए डीएफए बनाएंगे तो आप फिर आप क्या करेंगे, इस स्टेट को भी फाइनल कर देंगे और इस स्टेट को भी फाइनल कर देंगे, तो ये आपका डीएफए हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। आपसे कहें कि क्या आप इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं, इस लैंग्वेज के लिए क्या आप एक फाइनाइट ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं।